अद्भुत। संसार में अभी तक ऐसा कोई शूरवीर नहीं जन्मा जिसने युद्ध भूमि में कुंभकर्ण को एक पग भी पीछे हटाया हो। बलशाली वानर, तू कौन है? मैं राम भक्त हनुमान हूं। वही जिसने संपूर्ण लंका को भस्म कर दिया था, और आज तुम्हें युद्ध में पराजित भी करूंगा। मैं तेरे बल और वचन दोनों से प्रभावित हुआ हूं। कुंभकर्ण, युद्ध में यदि तुम प्रभु श्री राम की वानर सेना के वीर योद्धाओं को देखकर भयभीत हो गए हो तो युद्ध भूमि से वापस लौट जाओ, अन्यथा हमसे युद्ध करो। वीर हनुमान, मैं तुम वानरों की वीरता देखकर प्रसन्न हूं, किंतु मैंने तो केवल वनवासी राम से युद्ध करने का निश्चय किया है। इस महाकाय कुंभकर्ण को किसी भी प्रकार से आगे जाने से रोकना होगा। भैया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राम, कुंभकर्ण, यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अंततः तुम मेरे सामने आई गए रहो। कुंभकर्ण, राम भैया का सामना करने से पहले उनके अनुज लक्ष्मण के साथ युद्ध करना होगा तुम्हें। लक्ष्मण, जिसने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटने का जघन्य अपराध किया था, तू ही है इस युद्ध का मूल कारण। कुंभकर्ण, बिना सत्य जाने किसी पर आक्षेप और दोषारोपण करना असुरी प्रवृत्ति का सूचक है। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी बहन का दोष था, और अनजाने में उसे दंड मिला है। उस दिन क्या सही था और क्या नहीं, उसका निर्णय तो आज युद्ध में होगा।
हमारे जीवन की अवधि पूर्ण हो चुकी है। लक्ष्मण, तू भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तूने मेरे सभी दिव्यास्त्र एक एक करके निष्फल कर दिए। युद्ध में आने से पूर्व मैंने निर्णय लिया था कि मैं केवल राम से युद्ध करूंगा, किंतु तूने मेरा निर्णय परिवर्तित करने के लिए तूने मुझे विवश कर दिया। ये त्रिशूल महादेव का त्रिभंगी त्रिशूल है। हर हर महादेव। इसे तीनों लोकों में कोई भी शस्त्र नहीं रोक सकता। पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर आज पवन पुत्र हनुमान ने एक बहुत बड़े संकट से तो बचा लिया, किंतु अभी तक एक बहुत बड़ा संकट शेष है और वो है कुंभकर्ण का क्रोध। श्री राम, कुंभकर्ण के क्रोध से ब्रह्मा का मौन, इंद्र का इंद्रासन और महादेव का ध्यान खंडित हो जाते हैं। अब इनके प्रकोप से वानर सेना को आप ही बचा सकते हैं श्रीराम। हनुमान, कुंभकर्ण, मुझे राम में विष्णु क्यों दिखाई दे रहे हैं? तुम तीन बार जन्म लोगे, किंतु मेरे शत्रु के रूप में। और तीनों बार मैं अवतार रूप में जन्म लेकर तुम्हारा वध कर तुम्हारी मुक्ति करूंगा।
ये तो नर नहीं नारायण है, साक्षात श्री हरि विष्णु, जिन्होंने धरती पर नर अवतार लिया है हमें मुक्त करने के लिए। और अशोक वाटिका में जो सीता माता है वो भी तो जगत जननी माता लक्ष्मी का ही तो अवतार है। यदि प्रभु श्री राम मेरा वध नहीं करेंगे तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? ये क्या, भैया शत्रु लंकेश के भाई कुंभकर्ण का वध किए बिना ही लौट रहे हैं? राम कायरों की भांति कहां भाग रहा है? ऐसा दुर्भाग्य है कि जब आप मेरे समक्ष हैं मेरे अंतिम क्षणों में आपको प्रणाम करने हैं तो मेरे हाथ नहीं। जीवन में तो मैंने कोई यश अर्जित नहीं किया किंतु आपके हाथों मृत्यु पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ज्ञात होने के बाद कि युद्ध भूमि में आपकी मृत्यु हो जाएगी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए।
इस संसार में किसी भी भाई का वियोग अत्यंत असहनीय और पीड़ादायी होता है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें परिणाम ज्ञात होता है, किंतु फिर भी हम वही करते हैं जो नियति हमसे करवाती है। इसीलिए त्याग दो अपने शोक को और गर्व कर कि अपना परिणाम ज्ञात होते हुए भी कुंभकर्ण ने अपने भ्रातृधर्म का पालन किया, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और इसीलिए यह समस्त संसार कुंभकर्ण को सदैव धर्मात्मा कुंभकर्ण के नाम से जानेगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।